हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आज है संडे और हर संडे को मैं लेके आता हूँ Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर। आप लोगों का पूछे गए सवाल का मैं जवाब लेके आता हूँ ताकि आप जैसे और कई लोग होंगे जिनका सेम क्वेश्चंस या सेम डाउट्स रहता होगा, तो मैंने आज भी कुछ क्वेश्चंस पिक किया है आप लोगों के क्वेश्चंस में से जिसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों आज है संडे और मैं लेके आया हूं आप लोगों का पूछे गए सवालों का जवाब। जी हां, अगर आज आपका कुछ सवाल बच गए हों तो आप भी अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं अगले संडे Q&A में आपका भी सवाल को सम्मिलित कर पाऊं। दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चंस मैंने लिया है मिस्टर कैलाश चौहान जी का, ये पूछते हैं, हेलो सर, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस ब्यूटिफुल वीडियो, प्लीज टेल मी Can we come to Australia on visit visa for 3 months and search for a job and then convert into employment visa and work there for long time? Please clarify. तो दोस्तों देखिए, last video मैंने बताया था कि अगर आप वहाँ पर visit visa में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ढूंढना है sponsor। अगर आपको sponsorship देता है दोस्तों तो आसानी हो जाती है job लेने में, या फिर आपको वहाँ पर तुरंत हायर करना पड़ेगा कोई इमिग्रेशन लॉयर, ठीक है, या फिर कोई कंसल्टेंट जो आपको वहां पर हेल्प कर सके जॉब लेने में। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है मिस्टर नमाद करण जी का, ये पूछते हैं, ITR फाइल कितना शो करना होगा और बैंक अकाउंट में कितना फंड होना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपका बैंक में इतना फंड होना चाहिए। आपको ये देखना है कि एक महीने में कितना रुपया खर्चा हो सकता है। जब आप इसका फाइलिंग करते हैं तब आपका जो एजेंट है वो बता देगा आपको, लेकिन लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपया करीब के बीच होना चाहिए हर महीने का खर्चा। आप जितने महीना रहेंगे उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। रही बात ITR की, तो दोस्तों ITR का कोई फिक्स वो नहीं रहता है कि आपको इतना ही ITR होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपका इनकम के ऊपर, जिस हिसाब से आपका स्लैब आता है उस हिसाब से आप ITR भर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है पिंकी चहल जी का, ये पूछते हैं, सर मेरे 10, 12 और BA के DMC में स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या वर्क वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है? तो देखिए, अगर आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसमें अगर कोई भी स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो ये वीजा के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जॉब के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप जॉब पे अप्लाई करते हैं ना तो उस टाइम आपका जो प्रोफाइल है वो HR प्रॉपरली देखती है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक होता है, तो उस दौरान शायद आपको रिजेक्ट कर दें। अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं तो आपको फिर वीजा कैसे मिलेगा? अगर जॉब नहीं तो वीजा कैसे आएगा? जॉब वीजा यानी वर्क परमिट है कि नहीं। तो मैं सजेस्ट ये दूंगा कि भाई आपका जो भी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है करेक्शन हो करवा लीजिए आप, या फिर एफिडेविट करवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों अगला सवाल मैंने लिया है मिस्टर बिट्टू गौड़ जी का, ये पूछते हैं, सर आई हैव वन डाउट दैट इन सिक ऐप वी वांट टू अपलोड कवर लेटर, इन कवर लेटर वी वांट टू गिव हायरिंग कंपनी डिटेल्स, For all jobs we want create one or for one job we want create one cover letter. Please clarify this doubt. देखिए, कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो किसी भी जॉब में किसी भी एम्प्लॉयर का डिटेल्स देना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप कवर लेटर बनाते हैं तो कवर लेटर ऐसे बनाएं जो भी आपका वो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको मद्देनजर रख के आपको अपना कवर लेटर जो है बनाना है। दोस्तों कवर लेटर का मतलब होता है आप अपने बारे में संक्षिप्त में बताना, यानी शॉर्ट करके बताना, वो होता है कवर लेटर, ठीक है। और आप कैसे बताएंगे अपने आप को? एज पर रिक्वायरमेंट जो रहता है उस सब से आप अपने आप को बताना है कि भाई मुझे इसमें एक्सपर्टीज है, मैं ये काम कर सकता हूं या सकती हूं, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल मैंने लिया दोस्तों मिस्टर अखिल खान का, ये पूछते हैं, Thanks for your information, sir. I'm currently working in UAE, applying for Croatia. So from where I can get a PCC or where I can take PCC? तो देखिए, अगर आप UAE में हैं, आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको अभी फिलहाल UAE से PCC अप्लाई करना होगा,
और एपोस्टाइल भी वहाँ से करना होगा। बहुत आसानी से हो जाता है। जितना दिक्कत इंडिया का जो प्रोसेस में होता है उतना दिक्कत यूएई में नहीं होता है, ठीक है, जल्दी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया दोस्तों मिस्टर मोहम्मद महबूब का, ये पूछते हैं ऑल ओके सर, बट कंपनी से फ्री फूड रूम एकोमोडेशन मिलता है क्या सर, और फूड ओन सेल्फ करना होगा उधर में हमको, क्वेश्चंस मार्क। तो देखिए ये पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ना तो आपको एकोमोडेशन मिलता है और ना ही आपको फूडिंग मिलता है, सब कंपनी नहीं देता है, ठीक है। वहाँ पर आपको पर आवर बेसिस जॉब मिलता है, आवरली बेसिस जो भी सैलरी है वो आपका है, इसके अलावा आपको खुद को अपना खाना और रहना खुद बंदोबस्त करना होता है। कोई भी कंपनी वहाँ पर एकोमोडेशन फूडिंग मुहैया नहीं कराती। पर आवर बेसिस जॉब होता है या मंथली बेसिस होता है, जो भी आप सैलरी लेंगे वो बहुत हाई होता है, और आप अपने हिसाब से अपना रूम या फिर खाने का बंदोबस्त खुद को करना होता है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा आप सभी के लिए, और आपका भी इस टाइप का डाउट रहा होगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चंस या डाउट्स है दोस्तों, तो आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम में DM, या फिर आप मुझे भेज सकते हैं मेरा व्हाट्सएप पे। मैं कोशिश करूंगा अगले संडे को आपका भी सवाल को सम्मिलित करने के लिए। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।